बोलना चाहेंगे। काफी दूर से आए हैं, बिल्कुल पंचपरगना से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सामने आए थे, मैं आपको पहचान रहा हूँ। हमारे पंचपरगना की युवा काफी सर्विल है भाई साहब। तो इससे पहले कौन यहाँ पे आ चुके हैं रामदयाल फुटबॉल स्टेडियम में? चलिए भाई साहब, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी टीम लगती है आपको जीतेगी? दला दली। क्या यहाँ पे कोई जीएफसी गाड़ी फुटबॉल के फैन है? जी हाँ, इधर। भाई साहब आप कहाँ से हैं और कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? काकी से आपका नाम क्या है? नरेश जी, क्या लगता है आपको कौन सी टीम आज की इस पहले सेमीफाइनल में जीतेगी? गारी होटबार। गारी होटबार की कौन से खिलाड़ी से आज चमत्कार करने की उम्मीद है? कल शिप्रो ने 3 गोल किए थे, हैट्रिक लगाया था, आज कौन से खिलाड़ी गोल कर सकते हैं? चलिए ललित जी की प्रेडिक्शन कितनी सही होती है देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं कुछ बदाम उदाम लेके बैठे हुए। भाई साहब आपका नाम क्या है? आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? दला दली। जी हाँ, दला दली के फैंस यहाँ पे बहुत संख्या में हैं। गारी फुटबॉल के फैंस यहाँ पे काम। आपका नाम क्या है? राहुल जी, क्या लगता है आपको आज के पहले मैच को कौन जीत कर पहली फाइनल टीम बन जाएगी? हर्षित के ये फैन है, अगर हर्षित आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाइए, आपके बहुत सारे यहाँ पे प्रशंसक पहुंच चुके हैं। रोकना चाहूंगा बीच में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विशेष रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के लिए मिला जुला यहाँ पर जितना ही आ रहा है, कौन सी टीम जीते इसे विश्वजीत बोल रहे हैं तो कोई बोलता है जीएससी गाड़ी ओटवार, कोई बोलता है दला दली, किसकी होगी तेज रफ्तार ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दला दली की टीम बिल्कुल हमारे मंच की ओर आ रही है। मैं जीएससी गाड़ी ओटवार के मैनेजर, तो आप खुद खिलाड़ी रह चुके हुए थे, प्लीज हमारी मजबूरी को समझे और अपनी टीम को लेकर जितना जल्द हो सके हमारे मुख्य मंच के सामने आकर लाइन अप कर ले प्लीज। आप जुड़ सकते हैं फिर से। चलिए, हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं, मैं खास करके उनसे जुड़ूंगा जिनकी पैर अब लकीर के अंदर आ गई थी, यानी कि आपसे विशेष निवेदन है कि आप टच लाइन के बाहर ही बैठेंगे। भैया आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? बच्चा इतना दूर आए हैं, कैसा लगता है यहाँ पे आके? कैसी मैचेस यहाँ पे चल रहा है? श्री गाड़ी होटवार की टीम को सपोर्ट ये कर रहे हैं। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, समर्थन की बात है, तो सिर्फ बैठ के समर्थन करेंगे यार, किस अंदाज में आप समर्थन करेंगे अपनी टीम का वो भी जानना चाहेंगे हम दर्शकों से। प्लीज विश्वजीत जी, आप पूछे उनसे कि किस अंदाज में अपनी टीम का आज समर्थन करने वाले श्री फुटबॉल की टीमों के लिए समर्थन जुड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ जी, आज किसकी दला दली के लिए आप क्या करेंगे? सीटियां बजाएंगे? एक सीटी लगा सकते हैं अभी, लगाइए सिटी बजाएगा तो सिटी बजाए। टीम ऑलरेडी मैदान के अंदर आज भी है और जीएफसी गाड़ी फुटबॉल की टीम से निमित्त है कि आप भी अब जल्द से जल्द आ जाए लाइन अप कर लें। श्रवण जी, आप अपने टीम के लिए कैसे सपोर्ट कीजिएगा? सिर्फ बादाम खाने से तो समर्थन नहीं मिल सकता ना, थोड़ा सा चीनी डालिए, क्या कुछ करेंगे आप? जी हाँ, जरूर तालियां बजाएंगे अगर टीम अच्छा करेगी। जीएफसी गाड़ी होटवार निश्चित रूप से अपने क्वार्टर फाइनल के मैच में कमाल कर लिया था, एक मजबूत ट्रॉफी थी, लेकिन 4-0 से अपने नाम किया था अपने क्वार्टर फाइनल के मैच में। चलिए बहुत जल्दी और भी जुड़ेंगे, हमें वक्त हो चुका है सीधे दिनेश जी से जुड़ने का और वो क्या कुछ कहते हैं आइए सुनते हैं। जीएसटी कटना चाहिए इनका प्राइज में?
जीएसटी कटेगा तब जब वो निश्चित रूप से प्राइस के हकदार हो जाएंगे। हालांकि हकदार हो चुके हैं, सेमीफाइनल तक का इन्होंने सफर तय किया लिया, लेकिन अब इनसे निवेदन है कि आप दोनों ही टीमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मैदान में प्रवेश करें। अगर आपको पूरा समय चाहिए, अन्यथा समय में जरूर जीएसटी कट सकता है। जी हाँ, एक और मैच का आयोजन होने वाला है, एक और सेमीफाइनल का मैच देखेंगे। और अगर आप अनुशासन अपने समय के प्रति नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ऑफिशियल्स बाध्य हो जाएंगे समय में कटौती के लिए। जी हाँ, आप रांची में बल्कि बाहर में भी करते हैं, आपको रामदयाल मुंडा इस तरह का टूर्नामेंट लगता है? धन्यवाद दिनेश। रामदयाल मुंडा एक टूर्नामेंट रांची में जितना लोकप्रिय हो गया है, और मुझे जहां तक लगता है कि झारखंड में इससे अच्छा टूर्नामेंट अभी कोई नहीं। इसके लिए मैं तमाम कमेटी के जितने लोग उसको धन्यवाद देता हूं, बधाई के पात्र है वो। और जिस तरह से आपका कमेटी सहयोग करता है रेफरीज को, प्लेयर्स को, और जितनी अच्छी तरह से मैच होता है इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक साल आपका जो देश मीट से उसी में होता है, अच्छा मैच होता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दिनेश। और एक दो टूर्नामेंट और है इसके बारे में बोल दूं मैं। इसके अलावा बेड़ों का एक टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। इसके बाद आपका गेतल सुध एक टूर्नामेंट है, जो इस बार मुझे पता चला है कि वो लोग विनर प्राइज 5 लाख रुपये रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रांची के लिए भी, टीम के लिए भी। अगर टीम जीतती है तो एक अच्छी अमाउंट प्लेयर को मिलेगा, मैनेजर कोच को मिलेगा। तो ऐसे टूर्नामेंट करें, और आपका जैसे टूर्नामेंट है 1.5 लाख रुपया, ये अच्छा अमाउंट लेकर जाता है, प्लेयर लोग खेलते हैं, तो ये चीज़ जितना हर साल बढ़ेगा प्लेयर अच्छे अच्छे आएंगे और यहाँ आपको एक से एक प्लेयर देखने मिलेगा। धन्यवाद। कोई आएंगे, कोई बोलेंगे, आए सामने हैं आप, ऐसे गिरने लगती है तो बोलने के बाद मैं बड़ा बड़ा कैमरा। एक साथ बोलिए, कौन सी टीम, कौन सी टीम आपको, कौन सी टीम लगता है कि फाइनल में प्रवेश करेगी? बरियातु अभी नहीं खेल रही, मैं जिनके बारे खेल रहे हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। चलिए, हमारे एक समर्थक कह रहे हैं कि दलादिनी की टीम यहाँ पर फाइनल में जाएगी, और मैं जानना चाहूंगा अनुष्टिका जी हमारे साथ जुड़ सके हैं, युवा फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कौन सी टीम है आपकी? अभी थोड़ा हम लोग अपना खेलते गाँव लगे से। कौन से गांव से आप? जीरी कमरे से आए हैं अनुष्टिका, आपको क्या लगता है, आपके अंदर में जो आवाज आ रही है, क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर धमाल मचाएगी और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करेगी? अभी तक तो जो मैच में देखने को मिला जिससे गाड़ी ऑर्डर और अच्छा खेल रही है, तो मुझे लगता है कि पहली कही है ये टीम स्कोर कर पाए। ये मैच देखकर आपको लगता है, लेकिन आपकी जो दिल की आवाज़ है वो क्या कहती है, आप किससे समर्थन देना चाहते हैं? जीएसटी गाड़ी ऑर्डर रखना है तो निकल जाएगा। चलिए, इनका कहना है कि जीएफसी गाड़ी उठवा की रफ्तार जो है वो कायम रहेगी और वो टीम यहाँ पर फाइनल में जगह बनाएगी। और हम जुड़ना चाहेंगे कुछ अनुभवी लोगों से, जुड़ना चाहेंगे, काफी दूर से आए हैं, बिल्कुल पंचपरना से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सामने आइए प्लीज, मैं आपको पहचान रहा हूँ, यहाँ ही आइए। हमारे पंचपरना के युवा काफी शर्मिल है भाई साहब, एक नहीं हो जो संभाले हुए पूरे पंचपरगना को। आइए मुखिया जी, आइए, आपका स्वागत है, आपको क्या लगता है आपकी टीम से क्या आवाज आ रही है, टीम यहाँ पर धमाल करेगी? यहाँ तो गाड़ी मसाज का परफॉर्मेंस जब अच्छा लग रहा है और उससे मजबूत लग रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं सकते जब तक फाइनल नहीं बची, तब तक इंतजार कीजिए आप।
पहली टीम है यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएफसी गाड़ी ओटवार की टीम, दर्शकों की चहेती टीम बनकर उभरी है सेमीफाइनल में। लेकिन ये जो दूसरी टीम है इन्होंने दर्शकों को चाहने के लिए मजबूर कर दिया अपने खेल से, विश्व सनातन महासंघ दलादरी। अमन मुंडा, विक्रम उरांव, दीपक कच्छप। A few moments later. बहुत खुशी हो रहा है हमको, बिल्कुल टॉप स्कोरर में सबसे ऊपर चल रहे हैं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा आपका। मैं ये जानना चाहूंगा चित्रा, ये बड़ा टूर्नामेंट है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, कितना प्रेशर होता है आप पर? प्रेशर तो बहुत होता है, मिस भी हुआ था आपका सामने, लेकिन आप नहीं छोड़े। क्या रणनीति के साथ उतरे थे? पहले हाफ में बिल्कुल अच्छा खेले लेकिन सफलता नहीं मिली, दूसरे हाफ में बिल्कुल रणनीति को आपने अंजाम दिया, क्या सोच कर उतरे थे मैदान में? वही हैट्रिक मारेंगे सोच के उतरे थे, लेकिन कुछ गोल फाइनल के लिए बचा के रखिए, अभी सब धकेल दीजिएगा गोल में तो फिर फाइनल में दिक्कतें होंगी, उस समय जो तीर बचे हुए आपके क्या बोलते हैं, जितने भी वॉलंटियर हमारे भाई हैं आप मैच को देने पास आ जाए, और यहाँ पे फाइनल मैच प्लेयर सब्स्टिट्यूट बेंच के सामने सारे दर्शक खड़ा है। तो भैया जी सभी के जोहार प्रणाम। तो आगे भी तोहिंग के अगर इस टाइप का वीडियो चाहिए तो तोहिंग कमेंट में लिखा कि हमें के आगे भी इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो हमें आगे भी इस टाइप का ब्लॉग बना भाई, तो इन कमेंट करके बतावा तो इन किसान वीडियो आगे चाहिए कि नहीं चाहिए।